असलम मेरा नाम अद्दान है और आप मुझे लाहौर बुक क्लब के YouTube चैनल पर देख रहे हैं uh, कुछ वीक्स पहले मैंने एक बुक का रिव्यू किया था डायरेक्टेड एस स्टीव कॉल की और मैंने कहा था कि मैं भी गोस्ट वॉज पढ़ रहा हूँ जैसे वो मैं पढ़ लूँगा मैं उसका भी रिव्यू करूँगा और uh, फिर मैंने इन द मीन टाइम मैंने जाहिद हुसैन साहब की नोविन वॉर का भी रिव्यू किया तो ये दो बुक्स ऑन पाकिस्तान अफगानिस्तान यूनाइट स्टेट्स एंड दिस इज़ द थर्ड बुक जो कि मैंने पढ़ी है अभी गोस्ट वॉज ये भी स्टीव कॉल की है जिनकी डायरेक्टेड एस थी और ये जो है प्री नाइन अलेवन इवेंट से है मतलब नाइनटीन सेवेंटी नाइन से लेके सितंबर uh, 10 टू थाउजेंड एंड वन राइट बिफोर नाइन अलेवन Uh, जो था उसके पहले की बुक है और इस बुक के बारे में मैं क्या ही बताऊं कि मुझे दो तीन से ज़्यादा एक्चुअली महीने लग गए इस बुक को पढ़ते पढ़ते बिकॉज दिस इज़ सच अ मैसिव बुक कि मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कोई uh, आठ दस क्रेडिट आज का कोर्स ले लिया एक सेमेस्टर में और खैर देर आर सो मैनी कैरेक्टर्स इन दिस बुक एंड सो मैनी पीपल्स डिस्कस्ड एंड सो मेनी इवेंट्स डिस्कस्ड कि इट्स वेरी वेरी हार्ड टू कीप एवरी थिंग इन माइंड और स्टीव uh, कॉल को मैं आई मीन आई वी रियली हैव टू अप्रिशिएट हिम जिस तरह से उन्होंने जितनी ज़्यादा रिसर्च की इस बुक के लिए और uh, ये बुक उन्होंने लिखी तो कूडोज एंड हैट्स ऑफ ये बुक जो है दिस इज़ बेस्ड ऑन अराउंड आई बिलीव फाइव हंड्रेड एंड एटी फोर पेजेस और इतनी छोटी छोटी इसकी राइटिंग है कि एक पेज पे ऐसे लगता है कि शायद दो तीन पेजेस लिखे हुए तो आ, बिल्कुल वॉर एंड पीस जैसे है लियो टोल स्टॉय की उस तरह की फीलिंग आती है इट स्टार्ट्स इन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ सोवियत इन्वेजन ऑफ अफ़ग़ानिस्तान और किस तरह से फिर अमेरिका uh, जो यूनाइट स्टेट्स था उनको हुआ कि नहीं जी अगर ये आगे, आ गए सोवियत ने अफगानिस्तान को प्रॉपरली रूल कर लिया और ये सेंट्रल एशिया में है और इस, इस सारा रीजन अगर ये इनका हो गया तो इनको तो एज सुपर पावर कोई भी नहीं डिफ़ीट कर सकेगा तो फिर अमेरिका ने कैसे पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया पाकिस्तान की आईएसआई को इन्वॉल्व किया सऊदी अरब को इन्वॉल्व किया सऊदी अरब का वो जो ऑयल का बूम आया उसको आ, उसका हेल्प लेते हुए सऊदी अरब ने कैसे पाकिस्तान की आईएसआई को पैसे भेजे और अमेरिका ने सी आई सी ने किस तरह से पाकिस्तान की आईएसआई को पैसे भेजे और किस तरह से सीक्रेट वॉर स्टार्ट हुई किस तरह उसामा बिन लादिन आए और आई एम सॉरी दूसरा नेम जो मैं ले रहा हूँ मुझे अच्छी प्रोनंसिएशन नहीं आती लेकिन अलवाहिरी जो थे आ, है अभी भी, भी खैर तो वो कैसे इसके पार्ट बने आ, बिन बिन लादिन उसामा बिन लादिन के नेटवर्क के फिर उमर के बारे में इतनी डिटेल में बात की गई है आ, उनके पूरे तालिबान के नेटवर्क के बारे में खैर वो तो इट केम टूवर्ड्स द लेट नाइन्टीज़ लेकिन जो जिस तरह से अमेरिका ने अपनी वॉर स्टार्ट की इसके अंदर क्या नाम है जहादिश्ट लोगों के साथ और आ, किस तरह से ये अच्छा इसमें जिस तरह से जब ये बुक स्टार्ट होती है तो उसमें पाकिस्तान के अंदर जो एम्बेसी में अटैक हुआ था अमेरिकन एम्बेसी में आई बिलीव कुछ स्टूडेंट्स की तरफ से कायद अजम यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं तो स्टार्ट वहाँ पर होती है ये बुक और उसको बहुत ज़्यादा ना जो अमेरिका के जो वो जो वहाँ के सोल्जर्स थे जो प्रोटेक्ट रहे थे अपनी जिंदगी को बहुत एक फीट उनको दिखाया तो मैं मुझे शुरू में जब मैं पढ़ा था तो मुझे फील हुआ थोड़ा सा कि यार ये बिल्कुल अमेरिका को ग्लोरीफाई कर रहा है और ये उनकी आर्मी को बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखाने की कोशिश कर रहा है दिस कुड बी जस्ट लाइक अ वॉर मूवी कि बहुत ही जी ग्लोरीफाई कर दिए एक अमेरिकन सोल्जर जो है वो सौ बंदों को मार है कोई पनिशर वाली ना कहानी लेकिन नहीं इस तरह नहीं है वो सी आई ए को जिस तरह से दिखाया जिस तरह के सी आई ए के फेलियर्स को बताया है क्लिंटन के फेलियर्स को बताया है और बिल्कुल बुश का तो थोड़ा सा टाइम है लेकिन बुश के फेलियर्स को बताया अमेरिका के फेलियर्स और एन एन सी आई ए किस तरह से किस कुछ देख ही नहीं पाया वाइट हाउस कुछ नहीं देख पाया पेंटागॉन कुछ नहीं देख पाया इनकी कैबिनेट्स जो थी सिक्योरिटी की जो कैबिनेट्स थी इनकी वो कुछ नहीं कर पाई तो इट इज़ सो मच अबाउट द अमेरिकन फेलियर और डेफ़िनेटली वो पाकिस्तान की जो टू फेस्ड इमेज है जो कि हम अभी भी जिसके बारे में पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं और उस टाइम से जो चली आ रही थी किस तरह से उसामा बिन लादिन को आई एस आई सी आई ए जो देखती थी और किस तरह से उन्होंने ये ज्यादर्स को सपोर्ट किया इस सारी चीज़ों के बारे में बात हो रही है एन वेरी शॉकिंग थिंग इन दिस इज़ चैप्टर है आई डोंट रिकॉल एग्जैक्टली वे उसमें एक बात होती है के रशियंस रुश, जो थे सोवियत जो थे वहाँ पे एक टनल को जो है ना तबाह करना था और उस टनल को तबाह करने के लिए एक ब्रिज भी तबाह होना था और किसी को अपने अपने मतलब एक जान की गवाही भी देनी थी मतलब एक एक सुसाइड अटैक था वो तो अफ़ग़ान जो थे दे रिफ्यूज़ उन्होंने कहा नहीं जी ये तो हमारे प्रिंसिपल्स के ख़िलाफ़ और ये हम नहीं करेंगे तो ये एक अफगान की मैंटालिटी थी दे वर वेरी मच अगेंस्ट सुसाइड बॉम्बिंग और वो अपनी चीज़ें ख़राब करने के लिए नहीं होते थे अगर कोई ब्रिज डिस्ट्रॉय करना होता था तो ये जो आ, ये जो अफ़ग़ान लीडर्स थे जिनमें गुलब्दीन हिकमत यार थे और ये अहमद शाह मसूद थे ये सारे ये मना कर देते थे कहते थे कि नहीं ये सोवियत इस्तेमाल करें ठीक है लेकिन ये हमारे लोग भी इस्तेमाल करें हम सोवियत का नुकसान करने, करने में अपने लोगों का नहीं नुकसान करेंगे इस तरह की इंटेग्रिटी थी अफ़ग़ान के जो लीडर्स थे और वहाँ के जो लोग थे उनके अंदर ठीक है तो ये अरब्स को अरब्स जब आए वहाँ से अरबिक सारे रीजन से सऊदी अरब से एंड ऑल दीज डिफरेंट पार्ट्स तो उन्होंने कैसे आके फिर ये जहादस्ट कैंप्स जो थे वो ज्वाइन किए उसामा बिन लादिन के और आईएसआई के और इन इन सब बारे में बहुत बात हुई है प्लस एन वेरी सेंट्रल कैरेक्टर इन दिस बुक इज़ अहमद uh, शाह मसूद अहमद शाह मसूद जो है वो शुरू से लेके आखिर तक डिस्कस होते हैं स्पॉयलेटर uh, तो खैर ये नहीं है लेकिन बिल्कुल नाइन अलेवन से एक दिन पहले अहमद शाह मसूद डाइड इन अ सुसाइड अटैक और uh, उनके बारे में जो जिस तरह से आखिरी पेजेस में स्पेशली स्टीव कॉलेज लिखा इट्स वेरी हार्ड टचिंग एंड एक बुक ये मुझे रिमाइंड कराती है एक बुक है अहमद uh, शाह मसूद द अफगान नेपोलियन आई आई थिंक मैं उसका नाम सही ले रहा हूँ uh, तो so, uh, वो बुक भी काफ़ी uh, मेरा पढ़ने का दिल करता है खैर अब मेरी नेक्स्ट टू रीड जो है पाकिस्तान अफ़ग़ानिस्तान और यूएस रिलेशंस के ऊपर वो बेसिकली आई थिंक यूएस और uh, अफगानिस्तान पे होगी वो द अफग़ानिस्तान पेपर्स है बट आई थिंक आई वुड लाइक टू रीड दैट बुक एज़ वेल और होपफुली उसका भी मैं किसी दिन रिव्यू करूँगा लेकिन आई होप कि अब आप लोग ये बुक पढ़ना पसंद करेंगे लेकिन प्लीज़ हैव लॉट्स ऑफ फ्री टाइम ऑन योर हैंड्स बिकॉज ये बुक जो है इट्स अ वेरी 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 बिग बुक और बट इट्स ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग जिस तरह से अमेरिकन फेलियर्स के ऊपर बात की गई है आई बिलीव के कोडोज टू टू स्टीव कॉल वंस अगेन एंड वो अमेरिका में रहते हुए इतनी एक सेंसिटिव बुक लिख पाए हैं तो हेड्स ऑफ टू द होल दैट सिचुएशन एज वेल जहाँ पर इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच है उनके लिए काश हमारे पास भी ऐसा होता लेकिन नवर दिलेस चले तो आज का बुक रिव्यू यही था थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़